हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न विद मेगा इन दिस वीडियो वी विल बी कवरिंग द टॉपिक फाउंडर ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव कवर्ड अबाउट द एडम स्मिथ दैट इज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के फाउंडर के बारे में बात करेंगे दैट इज जे एम कीन्स एंड उनसे रिलेटेड कुछ सब टॉपिक्स भी पढ़ेंगे सो स्टार्ट करते हैं जे एम किन्स के बारे में अगर हम बोलें तो ये वन ऑफ द बेस्ट नोन पर्सनैलिटी हैं इकोनॉमिक थ्योरीज़ के वर्ल्ड में और इनकी इकोनॉमिक थ्योरीज़ को एक अलग से नाम भी मिला दैट इज़ कीनीजन इकोनॉमिक्स राइट और इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हमको पता होनी चाहिए वो ये है कि इनका जन्म हुआ था वो एटीन में हुआ था एंड जैसा कि हमें पता है कि किसने मैक्रो इकोनॉमिक्स ट्रेस की जे एम कीन्स ने इसलिए इनको फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाता है तो इनकी एजुकेशन हुई थी किंग्स कॉलेज में एंड इतनी इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी थे ये कि आप लेटर uh, ऑन इन ये उसी कॉलेज के डीन भी बने एंड आफ्टर सम टाइम ही हैज़ ऑल्सो सिक्योर्ड पोजिशन एज़ ब्रिटेन्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इकोनॉमिस्ट राइट ब्रिटेन के वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इकोनॉमिस्ट में से एक थे ये राइट right? और इनके कुछ ग्रेट पीस ऑफ वर्क में कुछ बुक्स आती हैं जिनके बारे में दो बुक्स के बारे में यहाँ पे बात करूंगी वन इज़ द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ द ज जो 1919 में आई थी एंड दी अदर इज द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी जिसको द जनरल थ्योरी के नाम से भी हम जानते हैं इसके बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो में भी बात की है जिस वीडियो में हमने बात की थी ग्रेट डिप्रेशन और मैक्रो इकोनॉमिक्स किस तरह से सेपरेट ब्रांच के तौर पर आई तो वो वीडियो है वीडियो नंबर वन उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आप उसको ज़रूर देखिएगा राइट नाउ नेक्स्ट इज़ अब हम बात करते हैं हमने जैसे कि क्लासिकल को जान लिया कीनीजन को जान लिया बट अब हम बात करते हैं क्लासिकल वर्स वर्सेज कीनिजन के बारे में तो ऐसा जैसा कि आपको ऑलरेडी पता पता है द वेल्थ ऑफ नेशन जो बुक थी उसके थ्रू क्लासिकल स्कूल ऑफ थाट को एक फॉर्मल बिगनिंग मिली थी राइट एंड क्लासिकल अप्रोच जब तक ग्रेट डिप्रेशन नहीं हुआ था क्लासिकल अप्रोच ही फॉलो की जा रही थी इन एन ओवरऑल इकनॉमी राइट तो बट जब ग्रेट डिप्रेशन आया इट इज स्टार्टेड इन 1929 एंड ये काफ़ी टाइम तक लॉन्ग लास्टिंग रहा था इकोनॉमी में एंड अल्टीमेटली ये देखा गया कि जो क्लासिकल थॉट फॉलो की जा रही है उसके थ्रू कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा राइट right? तब आए जे एम किंग्स एंड वो बने मेजर क्रिटिक क्लासिकल स्कूल ऑफ थाट के क्योंकि क्लासिकल स्कूल ऑफ थाट ही इकोनॉमी में ओवरऑल फॉलो uh, किया जा रहा था तो उन्होंने एक अल्टरनेटिव थ्योरी डेवलप की मैक्रो इकोनॉमिक्स की और उन्होंने अपनी बुक द जनरल थ्योरी में इसके बारे में बताया प्लस उन्होंने डायरेक्शन दिया कि किस तरह से डिप्रेशन से फाइनली बाहर आ सकती है इकनॉमी और किस तरह से हमारी इकनॉमी प्रॉस्पेरिटी में मूव कर सकती है राइट right? तो ये था उनके बारे में एक आपको चंद काफ़ी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए थी बट अगर हम एक जनरल व्यू में सिर्फ हमें ये पता चले कि एग्जैक्टली exactly इन दोनों के बीच में क्या मेन डिफरेंस रहा तो मेन डिफरेंस ये था कि क्लासिकल स्कूल ये बोलता था कि जो फ्री इकोनॉमी होगी वो ऑटोमेटिकली इक्विब्रियम अचीव कर लेगी विद फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब अगर इन केस इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो उस वो भी ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो जाएगी मतलब इकोनॉमी सेल्फ रेगुलेटिंग होगी लेकिन किनिजन स्कूल ऑन दी अदर हैंड क्या बोलता है वो ये बोलता है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो डिसअपयर ऑटोमेटिकली नहीं हो सकता ऑटोमेटिक फिनोमिनल नहीं है इकोनॉमी को पे लाना है तो गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा गवर्नमेंट को इंटरफेरेंस करना पड़ेगा और उनको अलग अलग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी पड़ेंगी फॉर देयर जनरल पब्लिक राइट तो तो, उसी के तो, आ, साथ ही तब जाके डिप्रेशन खत्म हो सकता है तभी चीजें बेटर हो सकती हैं तो यह था बेसिक डिफरेंस बिटवीन द क्लासिकल स्कूल इन दी एंड द दिजन स्कूल आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल थैंक यू